नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। गया जिले के डुमरिया प्रखंड क्षेत्र के पचमा गांव में एक महिला को डायन बताकर उसे जिंदा जला दिया गया था, जिसको लेकर अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी पीड़ित परिवार से मिले और उन्हें हर तरीके से संतावना दी और उन्हें अपराधियों को, जो अपराधी इसमें शामिल है, उसको जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात भी की है। आपको बताएं कि इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने पीड़ित परिवारों को पारिवारिक लाभ के तहत 30,000 रुपये का चेक और आपदा विभाग के तहत 9,500 रुपये का नगद राशि दिया है। आपको बता दें कि करीब भीड़ ने एक महिला को डायन बताकर उसे जिंदा जला दिया गया था, जिसमें अभी जो मामला है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसमें जीतनराम मांझी का क्या कुछ कहना है, आप वो सुनिए। कि इस प्रकार के घटना जब घटित हुआ है तो तमाम नेता लोग आवा थी, अब लोग संतावना दे थी, लेकिन कुछ दिन बाद मामला दब जा है। लेकिन अपने स्तर से का करल जाते पीड़िता के न्याय के लिए, सर ये पूछल जा भाई। देखो, पीड़िता के लिए तो एक बहुत बड़ी बात हो गए है कि उनका लड़का समझदार है। पहले तो लोग समझ रहे हल कि खाली हरजने लोग वहाँ दलिते लोग मार के है या घटना घटल के है, लेकिन बाद में ओकर समझदारी अलग तो सोचे कि घटना के पीछे बहुत लोग ऐसन हती जो उस कैलथिन दू चार रोज दस दिन पहले से भी उस कैलथिन, तो उस कावे वाला का भी नाम एक में अल है। यही कारण है कि ये घटना अब वो सिर्फ जलावे की घटना न रह गई, ये घटना शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटी एक्ट के तहत आ गए। मतलब सर अपने के जी अपन की लोग कर थी, अगर पीछे से तमाम और लोगों के भी हाथ रह ली है जिस प्रकार घटना के अंजाम देवल गई है, लेकिन सर फाइनली पर न्याय मिलते जे तमाम लोगों पे सुनी थी कि नाम 50 गो हो गई, 100 हो गए, 200 हो गई, वो सब 200 आदमी न कर करलथिन है, 10 से 20 आदमी जी। तो हम भी यही कहे थी प्रशासन के चिन्हित करे थे कि जे एकरा में हाथ जिनका है, जे भी रहथिन कारा रहथिन गोरा रहथिन, ओकरा पर कार्रवाई हो जी। और हम अपना स्तर से तरह कहलियो कि एकरा में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट लग गए है, तब इनका 7-8 लाख रुपया निश्चित मुआवजा में मिल जीते जी। और एक लेबर एक्ट के तहत भी जी आज अभी बात हो ले है डीएम से, लेबर सुपरिटेंडेंट से बात हो ले है, और ओकर सुपरवाइजर आवेत है, इनका से रिपोर्ट लेके जाते 1 लाख रुपया वो मिलते, प्लस एक सरकारी और नौकरी हिसाब हुआ है जो हम ही के लिए मुख्यमंत्री है। हाँ, हाँ, कि इलेक्ट्रोसिटी एक्ट में जहाँ मर्डर हो, जहाँ बलात्कार हो, वहाँ पर कंपनसेशन तो मिलवे करते, एक रोजगार भी मिलते, तो उस हिसाब से यहाँ लड़कन पढ़ल लिखल उनकर होता थी जो बड़ा होता थी लड़का, उनका एक रोजगार भी दे देते, तो 7-8 लाख रुपये। तो आपने बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी को सुना जब वो गया पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिले, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस मामले में जो है वो जनप्रतिनिधि भी शामिल है, क्योंकि देखा जाए तो जो एक भीड़ थी वो उस महिला को जिंदा जलाने में शामिल है और इसमें जो भी लोग दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बताएं कि इस घटना के पीछे जो जनप्रतिनिधि शामिल है उन पर भी कार्रवाई करने की जीतनराम मांझी ने बात की है, क्योंकि बुधवार को मामले को लेकर गया के सीनियर एसएसपी हरप्रीत कौर ने पचमा गांव में पहुंचकर इस घटना की पूरी जानकारी लेते हुए हर एक बिंदु पर जांच कर रही है। इस घटना के पीछे जो भी शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और वहीं इस घटना के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों से बात की और इस घटना में जो काफ़ी चिंता जताई है, उन्होंने कहा कि ये जो घटना हुई है काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि जिस तरीके से एक महिला को डायन बताकर उसे जिंदा जला दिया गया है, उसके परिवार वालों के साथ नाइंसाफी हुई है। और इसी के साथ जब उन्होंने परिवार वालों से मुलाकात की तब तो उन्होंने परिवार वालों को जो है चेक का भुगतान किया और जो आपदा विभाग की तरफ से जो राशि दी जाती है आपदा योजना के तहत जो 9,500 रुपये की राशि दी जाती है उसका भी उन्होंने नगद राशि की भुगतान की है। आपको बता दें कि ये घटना सामने आई थी गया जिले से, जहां एक महिला को डायन बताकर उसे जिंदा जला दिया गया था। तो फिलहाल के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले अपने पास पाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर जरूर मैसेज करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।